अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मुहिद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। यौम जमहूरिया के मौके पर हम ये कामना करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि हमारा मुल्क भाईचारगी, तरक्की व तामीर, अमन पसंदी में आगे बढ़े। आज मैं आप लोगों के सामने 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की मुख्तसर तारीख बयान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। लंबी कोशिश के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे मुल्क को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिससे कि मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा और कौमी यकजहती बरकरार रहे, वो था संविधान यानी आईन, जिसकी सरपरस्ती में, जिसके वसूल को मानते हुए एक मुल्क आगे तरक्की व तामीर का रास्ता हमवार कर सके। चुनांचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में एक संविधान की टीम तश्कील दी गई और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा आईन यानी संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को उस संविधान, उस आईन को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। और इसी तारीख से 26 जनवरी 1950 से हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बन गया। जमहूरियत किसे कहते हैं? इब्राहिम लंकन ने कहा कि जमहूरियत गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिया अवाम के लिए हो। अब उसके बाद जमहूरियत में हर अवाम जो है वो अपनी हुकूमत का इंतखाब करती है और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मुल्क में या रियासत में जो भी काम किया जाए वो अवाम की भलाई और बहबूद के लिए हो। उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिया है हिंदुस्तान के बाशिंदों को, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को, बोलने चालने, खाने पीने, रहने सहने और अपने मज़हब के मुताबिक उसको इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और इसी संविधान को लेकर, इसी जमहूरियत के बलबूते सियासी लोग या सियासी पार्टियां या हमारे रहनुमा उसी संविधान को हाथ में लेकर हल्फ यानी ओथ करते हैं कि इसी संविधान के तई हम इस मुल्क को चलाएंगे और आवाम में खुशहाली लाएंगे। लेकिन जब वो हुकूमत बनने के बाद या सरकार बनने के बाद लोग उसी संविधान के कवानीन और वसूल को भूल जाते हैं। आज मुल्क में ख़ास तौर से पिछड़े तबके के लोगों को, दलितों को, अकलियतों को एक टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। आज दलितों को कहीं तो मार देने की खबर आती है, दलितों को कहीं ज़िंदा जला देने की खबर आती है और कहीं कहीं तालीमी इदारों से उनको बेदखल कर दिया जाता है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कवानीन को धज्जियाँ उड़ाई जाती है। आज मुसलमानों को, जो कि संविधान में तमाम मज़हब के लोगों को रहने सहने और तालीम हासिल करने, इबादत करने की मुकम्मल अख्तियार हासिल है, आज उसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को कहीं तो धर्म के नाम पर उनको वरगलाया जाता है और फिर उन्हें निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों को धर्म संसद के नाम पर उनकी नस्ल कुशी का ऐलान किया जाता है, हिजाब और पर्दे के नाम पर मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। इन सारे वाक़यात से हमें यही पैगाम मिलता है कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को रहने का अख्तियार तो है, लेकिन हुकूमत के ज़रिया उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज हिंदुस्तान में जहां तालीम के इदारे बढ़ने चाहिए,
जहाँ तालीम पर हमारी डिबेटें होनी चाहिए, जहाँ हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में डिबेट होनी चाहिए, जहाँ हमारे मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम रहे उसके बारे में डिबेट होना चाहिए, जहाँ हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की में कैसे आगे बढ़ सके इस सिलसिले में गुफ्तगू ना करके बल्कि हमें धार्मिक चीज़ों को सामने रखकर उससे डिबेट की जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो जो कि हिंदुस्तानी भाईचारगी और गंगा जमुनी तहजीब में जो कि एक नफ़रत की बीज और शरअंगेजी की जा रही है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मीडिया का है। मीडिया अपने आप को आज इस जमहूरी मुल्क का जमहूरियत का चौथा सुतून का दावा कर रहा है, लेकिन वही मीडिया कहीं ना कहीं इस सुतून को गिराते हुए अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा है। आज मीडिया इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रखकर हमारे मज़हबों के पीछे पड़कर, हमारी बच्चियों के पीछे पड़कर, और कौन इंसान क्या खाता है, कैसे चलता है, कहाँ उठता बैठता है, वो इबादत कहाँ करता है, इन सब पर बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुल्क में भाईचारगी कैसे बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम का साथ कैसे रहे, मुसलमानों का साथ कैसे रहे, सब इन सारे इश्यूज़ को बिल्कुल वो इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ वोट हासिल कराने के लिए या हुकूमत बनवाने के लिए मुख्तलिफ किसके प्रोपेगंडा चलाती है और उसको मुख्तलिफ पैराए में पेश करती है, जिससे कि एक पड़ोसी जो कि हिंदू और मुस्लिम है, जिसमें भाईचारगी सदियों से चली आई है, उन दोनों के बीच में एक नफ़रत का पुल तामीर करने में मीडिया हमारा साथ दे रही है। कामना करते हैं कि हमारे मुल्क में भाईचारगी, आपसी भाईचारा बरकरार रहे, ताकि हमारा मुल्क सही सलामत और गंगा जमुनी तहजीब में सांस लेता रहे। फिर मिलेंगे किसी ख़ास टॉपिक के साथ। मैं हूँ मोहिद्दीन आज़ाद, नई आवाज़ नई परवाज़।